हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज फिर और एक नई ट्रिप की शुरुआत। सत्तू पराठा जो रात में खाए थे, अभी मैडम फिर से नया नया बना रही है। सुबह सुबह दो ऑलरेडी था, फिर भी तो दो खाएंगे, दो लेके जाएंगे। खा खा के तो देखो निकल रहा है बस कुछ दिन, और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बेसिकली जियो आर के साइड। बट जियो आर पूरा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप हो जाएगा और मैं ही अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो रास्ता थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, बट उसको थोड़ा सा व्यू दे दूंगा। उसके पहले दो दो जगह हम लोग स्टॉप करेंगे, एक एंकल सी और एक फिर लॉन। दोनों ही काफ़ी अच्छा बेहतरीन जगह है। ड्रोन भी लेके जा रहा हूँ, ड्रोन शूट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, नहीं तो लेट हो रहा है। कुछ हो गया है सेट हमारा। ये एक दिन का ट्रेन में इतना सारा सामान और स्पीकर भी हमने ले लिया। ये गाना वाना बजाना पड़ेगा। तो पूजा मैडम बोले कि डांस कर रहे हैं। आपका भी प्यूमा लिखा है, मेरा भी प्यूमा लिखा। ओह यस। ये हम लोग दोनों का पहला राइड है टुगेदर डेट पे। क्या पूछा? मैं पूछा क्या पहनना है, तो बोलते है कि व्हाइट वाला पहन लो। बोला ठीक है, व्हाइट वाला पहन लो। तो दोनों मैचिंग मैचिंग पहन लिए हैं और ये बिल्ली के जैसे देख रही है। कुछ बोल, क्या बोलूँ? शक्ल दिखा, मेरे को ही दिखा रही है शक्ल, तो मेरा भी दिख रहा है। तो कैसा लग रहा है पूजा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फेवरेट गाना दो पूजा का बच गया है ऑलरेडी। एक अभी काउंट करते रहेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आगे फर्स्ट स्टॉप पे। हम लोग कहाँ पहुँचे, क्या नाम है जगह? एंकल सी। तो पहले तो जाते हैं कॉफ़ी लेते हैं क्योंकि 12 बज गया है और नाश्ता करने के बाद कॉफ़ी पियेंगे तो थोड़ा नींद कम हो जाएगा। नींद तो ऐसे आ नहीं रहा है, बट अभी लॉन्ग जर्नी है तो बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न है रास्ते में। और कॉफ़ी लेने के बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। थोड़ा एक ड्रोन को शॉट लिया जाएगा और वहाँ पर बोट राइडिंग भी है, तो शायद बोट राइडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट कॉफ़ी शॉप खोजते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक कॉफ़ी शॉप ये है क्या? चलो हाँ यही है। ऑर्डर किए हैं एक वेज पनीर और एक चिकन का स्पेनिश चीज कुछ था पनीर और एक कॉफी। गुस्सा आ रहा है, ये चाय है कॉफी है? टुलू। क्योंकि मैंने शुगर बोला नहीं था तो शुगर डाला नहीं, इसलिए मुझे शुगर डालना पड़ रहा है। नॉइज बहुत ज्यादा है। कि पूरा हम लोग ट्यूनिंग पहन के आए, बताओ सबको देख रहा है हमें लोग। बस अब जूता वाइट नहीं पहने ना। अरे जूता वाइट नहीं है मेरा। तो भाई $35 कितना मुझे? $35 15 मिनट का चार्जेस। अभी बोर्ड यहाँ से दिया जाएगा, 15 मिनट राइड करके आना है। कितना वर्थ है आई डोंट नो, बट कभी किया नहीं है, इसका फर्स्ट टाइम। बोट राइड भी फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं। ओके, बनारस में किया था हम लोग। पहला जैकेट अंकल बहुत अच्छे हैं, हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू। बैठ गया भाई दोनों। फोन गिर जाएगा, अटक जाएगा। इधर लेके जाओ, बस ड्राइविंग कर रही है इसको, बस अब गाड़ी सिखाना है। लड़की पूरा हैंडलिंग सीख गई है, इसी में प्रैक्टिस करवाएंगे इसका हैंडलिंग ना।
नाटक बहुत है लड़की का, चश्मा दिया पहनने के लिए, नहीं मेरा चश्मा नहीं, हम नहीं पहनेंगे, मतलब इसको चश्मा खरीद के देना है, जाएंगे जाएंगे ये वीकेंड एक तो चश्मा खरीदने जाएंगे इसका। अब यहाँ का तो आप ड्रोन शॉट देख लियो, तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा जीओआर के रूट, क्योंकि ये किधर जाएंगे तो अभी बीच पे चप्पल लेके आएगी, आज बीच में छमक छमक करेंगे। ठीक चलो बीच में चलते हैं, अभी से बीच में जाएंगे, पहले अभी जाएंगे कि 4 बजे जाएगी बीच में, धूप कम रहेगा तो अभी धूप ज्यादा है, ठंडा भी नहीं जाना है, तो चलो बीच चलता है अभी यहाँ से डायरेक्ट। तो गाड़ी थोड़ा खोल के रख दें क्योंकि अंदर पूरा गैस जम गया, गर्म हवा, तो खोल के थोड़ा हवा पास हो जाए। उधर गिरे दरवाजा खोल दो, उधर कभी और ज्यादा अच्छे से होगा, खोल दो बाहर, तो थोड़ा यहाँ पर हवा पास हो जाएगा, मैं अंदर ठंडा हो जाने के बाद बैठेंगे 2 मिनट के बाद। नहीं नहीं मेरा बंद करिए पूरा, हवा तो सर पे नहीं लगेगा। नहीं नहीं आप बंद करिए, मेरा धूल मिट्टी आएगा, बंद करिए। यहाँ धूल मिट्टी नहीं है। हम लोग का जीओआर जाने का प्लान नहीं था, बट मौसम इतना अच्छा है, मैं सोचा कि चलो जाते हैं जीओआर, क्योंकि इसके बाद कब आना मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो। तो लॉन से होते हुए पहले थोड़ा समुंदर में थोड़ा छाई छप्पा छाई कर लेगी पूजा, उसके बाद हम लोग चलेंगे जीओआर का रूट। अगर सही टाइम रहा तो 12 अपोस्टल्स भी हम लोग चल लेंगे, आज को देख लेंगे। आपको फाइनली एक पार्किंग मिल गया, लॉन में अभी पार्किंग मिलना बहुत डिफिकल्ट है, और हमें एकदम सही जगह पे पार्किंग मिला है, देखो आगे एकदम बीच, तुम सही जगह पे पार्किंग मिली।